हर पार्टी वोट मांगने के लिए आपकी बात आएगी। फैसला आपने करना है कि वोट का सही हकदार कौन, किसने काम किए, कौन काम करेगा। लगातार 14 के बाद देश में माननीय देश के प्रधानमंत्री और हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री कैबिनेट जो आज विकास के काम कर रही है, अगर एक एक गिनाए बहुत लंबा समय लगेगा। आज आपके सामने है, चाहे कोई चौक था, चाहे कोई धर्मशाला थी, चाहे कोई हत्ता था, चाहे कोई रेस्टोरेंट था, चाहे कहीं का कोई फूल था, वो सारे के सारे इसी राज्य में बढ़े। मेरी तो आपसे एक निवेदन है कि अगर हम सभी आज ये प्रण लेंगे कि आने वाली सरकार जो छोटी सरकार है वो भी सेंटर में बीजेपी है, हरियाणा में बीजेपी है, अगर यहाँ भी बीजेपी सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से दौरे का विकास होगा। आज इस बात की भी खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 करोड़ पहले और 5 करोड़ अभी 15 अप्रैल को जगाधरी में आए थे चढ़ौरा नगर पालिका के लिए दिए। तो मेरे तो आपसे निवेदन है, बेनती है, बड़ा काम को बचा नहीं, नारी गड़ी का कोई छोटा मोटा काम होगा और जितना पैसा पड़ा है उससे है चाहे 2 बार आप अपना काम करवाना। तो मेरी आपसे निवेदन है कि आने वाले 19 तारीख को एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कमल का बटन दबा के यहाँ से शालिनी शर्मा को चेयरपर्सन और सभी पार्षद जो हमारे खड़े हैं उनको भारी मतों से जिताने का काम। और भाइयों, ये जो चुनाव है कई बार हम सोचते हैं छोटा चुनाव है, लेकिन छोटा नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। एक तो इसका मैसेज ज्यादा कि लोग क्या कह रहे हैं, और दूसरी बात जो डेवलपमेंट है ना, वो चाहे पैसे कहीं दे दो, मोदी जी भेज देंगे तो मनोहर लाल जी भेज देंगे जिले में, जिला में जगह फिर यहाँ, तो डेवलपमेंट ही यही है कहो। दूसरी बात यह है भाई, जिस टाइम कैंडिडेट चुना ना तो आपने सब से कहना, ज्यादा लोग तो आप समर्थक कार्यकर्ता बैठे, तो यह बात बतानी, कुछ लोग तो शौक में चुनाव लड़ा, शौक होगा तो चुनाव लड़ा, कहाँ रहोगे बोले रहेंगे तो कहीं और आधे करेंगे, कोई बात नहीं, महीने में एक तरह देख रहे हैं, 10 दिन में एक तरह देख रहे, तो वह शौक या चुनाव लड़ा किसी की समस्या का समाधान वास्ते नहीं। और कुछ लोग चुनाव भी नहीं लड़ते पर उन लोगों के काम आवा, भाई तेरी कोई दिक्कत चले यार मैं चलो तेरी गिल, कोई बात नहीं, वो तो चुनाव तो फिर लोग उन्हें ऊँगे दे लड़ते यार, तो चुनाव तो ये मोनू भी जिक्र कैसा ही आदमी है, इससे भी तो प्रस्ती का सारा दिन तो लोगों के ही काम में फिरा, तो यार इलेक्शन लड़ ले और क्या था। तो ये भी इसी तरीके से सालनी भी इसी तरीके से चुनाव लड़ाई ले रही है, और दूसरे और चुनाव लड़ रहे तो सारे शहर में पूछ लो किस किस के काम आए थे, अरे यहाँ अगर रहे भी रहे तो नहीं, तो आदमी ऐसे जुड़ने चाहिए जुड़ से, या बात आपने कह नहीं जाएगा था नहीं कह रहा मैं जाएगा आपने बता नहीं जाएगा कि भाई आदमी ऐसा चुनना चाहिए जिसके भीतर घुसरी हो सेवा, अंदर घुसरी हो, घुस हो इधर ही घुसती वा, वो अंदर अपने आप हो। अब इसने बोला चुनाव लड़ना था, ये तो हमने वैसे पकड़ दिया, मगर तो भाई लड़ चुनाव, जब तो इतनी सेवा करा तो तुझे चुनाव लड़ ही लेना चाहिए, और ज्यादा सेवा का मौका मिलागा। तो ऐसे प्रत्याशी को हमने चुनाव जिताना चाहिए जो सेवा भाव से काम करे। दूसरी बात सरकार की है भाई, सरकार का भी एक मैसेज है, सरकार अच्छे काम कर रही है। अच्छा एक बात बताओ भाई, आज से 7-8 साल पहले देश की स्थिति क्या थी, हम घरों बैठे एक का बात करते भाई हमारा देश सुधर नहीं सकता, कह देना कोई बुजुर्ग बैठे कोई बैठे बोल रहा भाई यहाँ नहीं कुछ भी होता, यो नहीं सुधरता है, यो नहीं सुधरता, लेकिन इन कोई कह रहा है बात सुधरता देश, इन लोग कह रहे भाई चाहे आने वाले 10 साल में बढ़ियो पर नंबर 1 तो हम ही बनाएंगे, कह रहे ना भाई नंबर 1 तो बनाएंगे, भाई नंबर 1 तो बनाएंगे। कैसी बड़ी आफत है, इसे कोरोना आया था तो क्या स्थिति थी, सब लीडर लग रहा था नहीं लग रहा था, बोला भाई किक्कर होगा क्या होगा क्या नहीं होगा, और जो उनसे बड़े बड़े देश सेना ने बड़े बड़े चौधरी भाषण बोलते हैं तो नहीं लगे कहने के इसका जो केंद्र होगा भारत होगा। भाई ये केंद्र समझ जो है ना, यो ने एक थोड़ा सा बढ़िया सा बना रखा, केंद्र नहीं कहते वैसे मैं जो कहते सब ज्यादा आज ही भारत मरेंगे, सही भाषा में वही ये कह रहे थे भाई सबसे ज्यादा आदमी जिसके मरेंगे वो भारत में मरेंगे, क्योंकि आदमी ज्यादा है यही मरेंगे ज्यादा,
लेकिन मारे नहीं मरे, उन्हीं के मर गए ज्यादा। मारे मरे नहीं, मारा प्रधानमंत्री कहता ताली बजा दो, थाली बजा दो, तो मार पा। कुछ ऐसे मारे देश में लीडर हैं जिन्होंने उसका विरोध शुरू कर दिया, बोला ताली बजाने से वैक्सीन बन देगी, थाली बजाने से कोरोना भाग जाएगा। भाई ताली थाली इस खल का बजवाई थी कि भाई हौसला बढ़ाना था। वाह भाई वाह, डॉक्टर साहब मोदी जी कह रहे भाई डॉक्टरों ने कमाल कर दिया। अंडा एक यूं भी रहेंगे कोरोना लग भी जाएगा दूसरे का, पर वह इसकी पढ़ाई करी भाटा लगे देखी जाके कोरोना कुछ करेगा पर सेवा करेंगे। उन्हें कहा नर्सों ने कमाल कर दिया, नर्सा भी लग रही। बोलिया स्वीपर ने कमाल कर दिया, सिपाही वाले ने वो बिखड़ा और पुलिस वालों की भी खूब पढ़ाई कर दी। मैं एक दिन पुलिस वालों ने लगा कहण मा तुम अपने स्थिति सुधार ली, मारे वाली तो सुधरी नहीं बात। पॉलिटिशियन होगी नहीं सुधरी, मैं पुलिस वालों की सूत हैगी, कोरोना सारे काम है पता, क्योंकि प्रधानमंत्री ने बहुत पढ़ाई करी। और जोन से जो कहे थे कि वैक्सीन बननी चाहिए, तो वैक्सीन कहाँ बनी भाई? सारी दुनिया में चार वैक्सीन बनी, दो बनी भारत में, दो बनी सारी दुनिया में। अरे नोट से मारे आगे लीडर है ना, ने लगे कहना हम दुनिया वैक्सीन लगवाते, क्योंकि तो बाहर की बात थी ना पड़ी, दूसरे देश की लगवाओगे, हम नहीं लगवाते। लेकिन भाइयों जो रिजल्ट आया ना, वो ये आया कि सबसे बढ़िया वैक्सीन मारी है, चाइना बड़ी काम नहीं करती, मारी है। मेरी गेल गई कई आदमी है, वो कह यार वैक्सीन लगवाएगा कुटो दर्दी ठीक है, जबकि कोरोना नहीं था उन्हें, और कई बीमारियां ठीक हैगी जिन्हें लगवाया। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं हम नहीं लगवाते, इन्होंने उसका विरोध चालू रखा। लेकिन आज देश तो नए नए आयाम स्थापित कर रहा डेवलपमेंट में। आप देखो भाइयों, अब जब पहले था तो अभी चौधरी साहब ने चाहे रेस्ट हाउस की बात करी, चाहे सड़कों की बात करी, चाहे पुलों की बात करी, मैं सर एक बात बता रहा भाई, जिस गलों में थारी बातचीत हो उसने कहा भाई कापी पेन ले, एक चीज का नाम बोल या और चार गुणा कर ले साहब। तो कोई कॉलेज कर चार गुणे का साहब, तो कहे स्कूल कर चार गुणे का साहब, तो कहे सड़क कर चार गुणे का साहब, तो कहे हॉस्पिटल कर चार गुणा बेडों का साहब। आज हमने इस आठ महीने में सात महीने में चार गुणा ज्यादा काम कर दिया, कहीं भी कम नहीं है। आप सड़का देखो कैसी बढ़िया बढ़िया बनेगी, जिम्मी तुम्हें गिल गिल कट्ठा दे आ गया। देर नहीं लगी, मैं एक दिन सिरसा जाना था इलेक्शन था और मुझे पांच बज गए पचकुल्ला, तो मेरा एक दोस्त था अड्डा वोटर पेट्रोल पंप पर लगा कहने चाह पी ले। मैं बोले यार मैं लेट है गया, मेरे पास चाह चू नहीं पी सकती, मैं तो आधी रात जाऊंगा वहां, पर फिर भी मैं ग्रुप के यहां पर चल पड़ा वहां गिल गिल साथ के साथ। और मैं 8:20 पर वहां पहुंच गया, 5 बजे चलिया, 8:20 पर मैं सिरसा पहुंच गया। तो आज इतनी बढ़िया सड़क है बड़ी सारी सारी, और आपके सामने है जब यो मारा बनया था एक्सप्रेस हाईवे पचकुल्ले थे अरे आ बनया यमुनानगर तक अगर द्वार तक बन गया हो। कुमारी सैलजा ने मेरा लिखा 10 फ्री लड्डू बांट दिए, बोर्ड लगावा थी लड्डू बांटते थे, बोले मंजूर कर दिया, मंजूर का बनया नहीं। फिर मारी सरकार बन गई, उसके 2 साल बाद गडकरी जी आए, उन्हें तो घट लग गया। अगर थारे में तो कुछ लोग होंगे थारे याद होगी बात, तो जब उसकी बातचीत कर रहे तो कटारिया जी ने खड़े का कहा कि गडकरी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इसका तो आपने कर दिया, पर ये आते रोड से कैथल सड़क जा इस पर औसतन रोज एक आदमी मरा, तो ये बिगड़नी चाहिए। फिर गडकरी जी बोलने लगे, तो गडकरी जी ने कहा कि भाई ये सड़क भी मंजूर कर दी कैथल वाली, और आप देख लो जाकर बढ़ गई कोई उन्हें मंजूर कर दी, इस पर भी काम लगा कैथल वाली में भी काम लग गया। और फिर बोलते लगे कहण के 2,2200 करोड़ रुपए की कोई और सड़क हो बता दो, 2,2200 करोड़ कह रहे कि भाई और कोई सड़क हो बता दो। मंगी एक कहे थे दो बनाए गए, तीसरे के पैसे दे रहे, तो पैसे कहां दे रहे भाई? पैसे जनता के, मारे अपने पैसे नहीं होते, ना कांग्रेस के टाइम में उनके पैसे थे ना हमारे टाइम में अपने, लेकिन पहले लोगों के पैसे उनके खाते में जाते। इस करके जब उनसे गए थे अगर स्कूल का कमरा बनाए थे, बोला भाई बजट में देखेंगे, बोला सड़क बनाए थे, बोला बजट में देखेंगे, और बिना बजट के कह रहा है 2,2200 करोड़ रुपए खर्च कहीं करवा लो ना कि भाईओ आप अपना वोट तो देना ही, पर आपकी ड्यूटी है कि जो थोड़ा टाइम है ये पूरा टाइम लगेगा, बस कल कल कितने गया कल परसों का
तो हर वोटर के साथ संपर्क करके ज्यादा से ज्यादा वोटों से बहन जी को जुटाना और हमारे इधर भी पार्षद सारे पार्षदों को मिल जाना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। ना कीजिए, हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर भारी मतों से जिताएंगे, क्योंकि इस पार्टी का नेतृत्व देश में करते हैं नरेंद्र मोदी और प्रदेश में करते हैं मनोहर लाल जी। एक ईमानदारी की मिसाल मनोहर लाल जी और एक ऐसे नेता जिन्होंने पूरे विश्व को दिखा दिया कि अगर विश्व को आगे बढ़ना है तो इसको हिंदुस्तान को साथ लेकर चलना पड़ेगा। आज संपूर्ण विश्व अगर देख रहा है आपके नेतृत्व की ओर तो वो है आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। चाहे वो तो मैं दावे के साथ कह रहा कि आप बहुत अच्छी से फोटो से जीतोगे 100% जीतोगे। जिस प्रकार का उत्साह है आपके अंदर और जितनी बड़ी संख्या में आप सब लोग उपस्थित हैं, भाइयों मैं एक बात कहना चाहूंगा। आपने यह बात आगा कहनी, आप तो पाई रहे वोट बस, पर और लोग जोड़ से कहूंगा पह रहे उनसे भी बताने की बात है कि भाई राजनीति जो है ना इसमें टाइम लगा। अगर कोई सोचा कि भाई ठास से घूमने की चीज नहीं, वैसे आपने गाड़ी में घूमते ठास से ही दिखा, पर सवेरे आई हो मेरे वहां फिर पता चला जब आपने दिखा गया ना वहां इतनी भीड़ सब गिलो बात करनी, तो ये बड़ा पेशेंस का सही उसका काम है। राजनीति कोई ऐसा नहीं आया सारा दिन निकल घूमते रहो, तो भाई जिसमें सेवा की आदत होगी वो सेवा करेगा। एक तरफ तो वो व्यक्ति है जिसने चुनाव नहीं लड़ा लेकिन सेवा कर रहा, फिर हमने कहा यार तू सेवा तो कर ही रहा तो इलेक्शन ही लड़ ले, और फिर उनकी पत्नी शालिनी शर्मा जी चुनाव ली। अरे एक तरफ वो है जो यार तई नहीं रहा भी कहीं और, वो कह रहा कोई बात नहीं 80 अद करेंगे महीने में एक दिन चला देंगे। वो भाई एक महीने में एक दिन लगावागा, एक महीने में एक हफ्ता लगावागा, ये रोज रोज का काम है यो। कहीं यहां साइन करवाने, कहीं यहां साइन करवाने, बड़ा काम है। इतना काम है पार्षदों का भी, चेयरमैन का भी, हर जगह कहीं ना कहीं साइन जी क्या और कुछ ना करो सहन ही करने वाला काम बहुत, तो ये बहुत बड़ा काम है। और मैं एक बात भूल गया भाई, सारी सारी हमारी पार्षद नहीं खड़ी, ये देवी शर्मा जी है, रुचिका गोयल है, संगीता है, पिंकी है, ने चारों बहन अभी हमारी यहां है। तो भाई मेरी आपसे प्रार्थना हर जगह आप पूरा पूरा सहयोग समर्थन आप दे, और हम आपको एक विश्वास दिला रहे पहले भी काम कर रहे और आने वाले टाइम में भी काम करें, आपकी पूरी सेवा करेंगे। अरे भाई बहनों एक बात है, थोड़ा 8 साल पीछे जाइयो, लोग क्या क्या करते जब आप अपने घर में बैठ कर बात कहते इस देश में कुछ नहीं हो सकता, यो नहीं बदल सकता देश।